हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों थैंक यू, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मैं लगभग सारे कमेंट पे मैंने अपना रिप्लाई दे दिया है। कई लोगों का कमेंट है कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों मैं इंस्टा आईडी पे वर्क कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं इंस्टा आईडी बना के आप लोग को शेयर करूँगा, जिसमें आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टाइम नहीं रहता बोल के मैं इंस्टा आईडी ये सब चलाता नहीं, बट आई विल गेट स्पेयर सम टाइम फॉर यू, राइट। चलो दोस्तों, नाउ कम्स टू द मेन टॉपिक, जिसमें हमने बात किया था कि कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंटआउट हमको एसएपी में लेना है। ठीक है ना, इस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम आगे बात करते हैं कि देखिए, कोई भी एक्टिविटी होती है हमारी कंपनी में, तो उसका एक ना कोई भी चीज़ के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत ज़रूरी है। आपको प्रिंटआउट हमेशा होना चाहिए हाथ में। ठीक है, तो चलो दोस्तों, जैसे मेरे पास एक चीज़ आ गई, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रेक्टर आ गया XYZ, मेरे इसमें प्रिंटर लगा नहीं है, बट आपको प्रिंट कैसे किया जाता है इसका ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपके पास एक कॉन्ट्रेक्टर है, उसने बोला कि सर मुझे एक पर्टिकुलर आपका वर्क ऑर्डर बना हुआ है काम करने का आपके अंडर में। मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डेजिग्नेशन। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट आके बोलता है सर मुझे एक प्रिंट आउट दीजिए मेरे वर्क ऑर्डर का, तो आप उसमें कन्फ्यूज नहीं होना, आपको सीधा आपका टी कोड निकालना है ME23N। ठीक है, अब मान लीजिए क्या बोलते हैं जो वेंडर है, ये जैसे ये एग्जाम्पल है ना ये वाला, इसका आपको निकल जाएगा प्रिंट आउट, ये दिखा देगा कि इसका इंडस्ट्रियल एंड होम पावर सॉल्यूशन है, उसका ऑलरेडी आपने बनाया था लेटेस्ट वाला, वो आपको निकल गया। मान लीजिए कि नया आपको किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बोला कि नहीं सर मुझे मतलब मान लीजिए UPS वाले के अगेंस्ट होकर दूसरा आ गया, तो आपको क्या करना है ME2L में जाना है। ठीक है, यहाँ पर ALV करना है। ठीक है, यहाँ पर जो वेंडर है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल, राइट। अब मेरे पास पर्टिकुलर वेंडर है, उसने मुझे कहा कि सर मुझे ना इतना प्रिंट आउट चाहिए, आप मेरा वर्क ऑर्डर बन गया, उसका मुझे प्रिंट आउट दे दो, तो आपको क्या करना है परचेसिंग डॉक्यूमेंट में जाके आपको वेंडर का प्रिंट आउट में जाना है, जैसे ये वाला लेटेस्ट वाला है, ये वाला बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको अपने एंड का चाहिए कि आपको कौन सा निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे इन मंथ ऑफ फेब्रवरी में आया था, उसने मुझे सर मुझे एक प्रिंट आउट चाहिए, मैं इसमें गया कुछ निकालना है, मुझे इसमें जाना है प्रिंट प्रीव्यू में। ठीक है, ऑर्डर खोल के ना प्रिंट प्रीव्यू में जाना है और उसका मुझे यहाँ पर प्रिंट ना करके यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दे देना है। जैसे प्रिंट दे ओके कर दिए दोस्तों, जो भी आपका प्रिंटर का नाम कनेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, अगर कोई प्रिंटर कनेक्ट होगा आपको उससे, वो कनेक्ट होकर सीधा वो ओके कर दोगे तो प्रिंट निकल जाएगा। दोस्तों समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास आता है, तो आपको हमेशा उसके ऊपर क्या रहता है कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो आपसे बोल रहा है वो आप उसको दे सके, प्रोवाइड कर सके। नाउ दैट इज रिलेटेड टू जॉब ऑर्डर जो आपके थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, उस पर आप वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रिंट का ऑप्शन कैसे दिया जाता है वो मैंने आप लोग को बता दिया वर्क ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई प्लांट का PM है, ठीक है ना, उस PM का प्रिंट आउट लेना है कि आपको एक कार्य कराना है, उसके लिए आपको वो चाहिए, तो आपको क्या करना है प्रिंट जो ऑप्शन है IW33। ठीक है, टी कोड है IW33। कोई भी एक्टिविटी मान लो, मुझे मैंने ध्यान मैं जस्ट इट इज़ अ आप एक चीज नोटिस करोगे, ये क्या है मेरा डेवलपमेंट सर्वर, तो इसमें आपको शायद PM ना मिले, कुछ भी मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, बट आप जो मैं वर्ड कह रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए कि आपको PM से रिलेटेड है, तो आपको PM का ऑर्डर नंबर याद होगा। जैसे मैंने ये ऑर्डर नंबर मेरा रेफरेंस खुला था, मैंने डाल दिया, आप अपने PM का ऑर्डर नंबर डाल देना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑर्डर में प्रिंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, सॉरी ये है डिस्प्ले है ये IW32, यहाँ जाके IW32 ये आ गया, यहाँ गया, तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है ऑर्डर का। ठीक है ना, उसमें क्या करना है ऑपरेशनल कंट्रोल टिकट मटेरियल्स एसोसिएटेड जॉब टिकट पिक लिस्ट टाइम टिकट कंप्लीशन, ये इतनी सारी चीज़ें आएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जॉब का टिकट चाहिए, यहाँ गए ये सारे टिक कर दिए और क्या कर दिए प्रिंट कर दिए। ठीक है ना, तो वो डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट हो जाएगा किसी भी चीज़ का। ठीक है,
अब मान लीजिए कोई परमिट है, परमिट का भी इसमें तो ऑप्शन नहीं है, बट मैं आपको कभी बताऊंगा जो परमिट का अगर प्रिंट आउट है तो वैसे सेम है प्रिंट के लिए, मतलब आपको कंट्रोल एंड पी, एक कंट्रोल प्लस पी का कीवर्ड है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के लिए क्या है, टी कोड क्या है दोस्तों, IW22, ठीक है ना, नोटिफिकेशन ये आ गया, ये आ गया। अब कोई नोटिफिकेशन का काम, जैसे मैंने नोटिफिकेशन दी थी वेल्डिंग मशीन कनेक्शन करना है, पर्टिकुलर किसी टीम को दे दिया कि भैया तुमको वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन करके देना है, तो आप क्या करोगे, ये होने के बाद ये हो गया, आप कंट्रोल एंड पी दबाओगे, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी रिपोर्ट में जाओगे, यहाँ पर कंट्रोल पी, या ब्रेकडाउन रिपोर्ट में कंट्रोल पी, नोटिफिकेशन ओवरव्यू में कंट्रोल पी, और यहाँ पर क्या दे दोगे, प्रिंट का कमांड। तो ये अपने आप जो भी प्रिंटर से कनेक्टेड है वो ले लेता है, ठीक है। सो दोस्तों मैंने आपको नोटिफिकेशन जो क्या है, नोटिफिकेशन क्या होता है, कोई भी साइट में काम करा रहे हो उसके लिए आप नोटिफाई करते हो तो प्रिंट आउट देते हो, तो डिपार्टमेंट उस नोटिफिकेशन के थ्रू काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा कि जो मेंटेनेंस ऑर्डर है उसका मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, जो प्रिंट वाला जो ऑप्शन है कंट्रोल पी में, जो भी ऑप्शन है उसमें पी वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा याद रखिएगा। फिर से आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें देखिएगा, जिसमें कंट्रोल एंड पी दबाया तो ये देखिए, हम कन्फ्यूज क्या करते थे, हम सीधा प्रिंट दे देते, प्रिंट आता नहीं है, नो फॉर्म सिलेक्टेड फॉर प्रिंटिंग, ये भी लोगों के साथ इश्यू होता है, तो क्या घबरा जाते हैं, बंद कर देते हैं। सिंपल सा दोस्तों क्या करना है, जैसे ये वाली है ना, इसको क्या करना है, आपको सिंपली लेके जाना है, जैसे ये एक्टिविटी है, ठीक है ना, यस नो, तो मैं क्या कर दिया, मुझे इसी का प्रिंट लेना है, इसी का प्रिंट लेना है मुझे, ये एक्टिविटी करवानी है, मैंने नोटिफिकेशन जनरेट किया था, इसमें कोई भी परमिट लगेगा वो साइन कर देगा और सिग्नेचर कर देगा, तो मुझे क्या करना है, इसमें आप ये देखो इसको बड़ा करो पहले, तो कन्फ्यूजन क्या होता है, जब हम स्क्रीन को पूरा कंप्लीट नहीं देखते तो क्या हो जाता है, गड़बड़ जाती है, ठीक है ना। तो आपको क्या है, न्यू स्पूल रिक्वेस्ट है और आपका क्या डेल्टा है, ठीक है ना, डेल्टा प्रिंट। तो आपका क्या बोलते, एक्टिविटी रिपोर्ट आपने देख ली, मुझे यही चाहिए थी, रिव्यू देख लिया आपने, मुझे प्रिंट लेने से पहले देखना है ना कि किसका प्रिंट लेना है बोल के, तो मैंने फर्स्ट क्या किया, प्रिंट प्रीव्यू ले लिया, उसके बाद क्या किया, प्रिंट वाला जो पी वाला ऑप्शन है उसको मैंने टिक किया, उसके बाद मैंने उसका प्रिंट का कमांड दिया। सो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ को प्रिंट देने से पहले उसका प्रिंट रिव्यू जरूर देखना, कि बताऊँ प्रिंट चला गया आपके क्या पेपर बर्बाद होते हैं, वो क्या इन्वायरमेंट के लिए भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट को नहीं ख़राब करना है, उसके लिए आप मिनिमम प्रिंट देना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है उसको मैंने बोला, जो मैंने फर्स्ट वीडियो जो स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसने अपना वर्क ऑर्डर मांगा, तो क्या करो, आप उसे ये बोल सकते हो कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए कि आपको सॉफ्ट कॉपी में दे दूँ, क्योंकि क्या वो तो ऑलरेडी मेंटेनेंस का क्या है, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका वर्क ऑर्डर बन गया है, तो क्या बोलेगा नहीं सर मुझे हर सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगा, मैं अपने एंड से प्रिंट निकालूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आप पर्टिकुलर उस प्रिंट आउट से बच जाएंगे, आप उनको दे देंगे तो सॉफ्ट कॉपी में आपके पास भी डेटा सेफ रहेगा, उनके पास भी डेटा सेफ रहेगा, ठीक है। जरूरत हो तो ही प्रिंट लें, ये तो ऑप्शन है, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि एनवायरमेंट को सेफ करना है बोल के। सो दोस्तों होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, लाइक करो, कमेंट करो, अपने जितने भी रिलेटेड फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, ताकि क्या होता है कोई भी चीज़ होती है क्या होता है, एक समय बाद हम भूलने लगते हैं जिसका यूज़ नहीं करते, तो एटलीस्ट एक वीडियो होना चाहिए जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं उसको रेफरेंस लेते रहें, ठीक है। तो ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे हमेशा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। सो दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि मुझे मतलब मेरा जो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, 20 सेक्शन में SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।